IMF का वफद आया, इस्लामाबाद में एक महीने बैठा रहा और आखिर में 70 करोड़ डॉलर दे दिए और फलस्तीन का इन्होंने सौदा कर। हमारे दो रिश्ते हैं, एक इंसानियत का, एक उम्मती मोहम्मदिया का। नेतन्याहू दहशतगर्द है और उसको गिरफ्तार किया जाए, ये बात तो हमें करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि हम गुलाम हैं तो हम नहीं कर सके और आपने कर ली तो हम आपका शुक्रिया अदा करें। हमारे दस्तूर के अंदर पहली सफे में 3 बातें लिखी गई है, हाकिमियत आला अल्लाह ताला की हो, दूसरी बात इक्तदार मुकद्दस अमानत हो, तीसरी बात इक्तदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए से हो। ये तीनों बातें नहीं, इक्तदार आला इस वक्त IMF का है, मुल्क गुलाम है। आप अंदाजा कर ले कि IMF की वजह से पाकिस्तान फलस्तीन के ऊपर अपने अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। जिस दिन फलस्तीन का इशू शुरू हो गया, IMF का वफद आया, इस्लामाबाद में एक महीने बैठा रहा और आखिर में 70 करोड़ डॉलर दे दिए और फलस्तीन का इन्होंने सौदा कर लिया। बोलेविया, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इन मुमालिक का रिश्ता फलस्तीन के साथ सिर्फ इंसानियत का है। हमारे दो रिश्ते हैं, एक इंसानियत का, एक उम्मती मोहम्मदिया का। तो उस दिन मैंने सेनेट के फ्लोर पर निगरान वजीर खारजा से कहा कि आप और कुछ नहीं कर सकते, तो आप इन 4 ममालिक के वजीर खारजा को फोन करें, उनको बता दें कि आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें की हैं कि नेतन्याहू दहशतगर्द है और उसको गिरफ्तार किया जाए, ये बात तो हमें करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि हम गुलाम हैं तो हम नहीं कर सके और आपने कर ली तो हम आपका शुक्रिया अदा करें। कम से कम एक हम तो कर लो, और कुछ नहीं कर सकते।